दिवाली में पटाखे जलाएं, अपनी आंखें नहीं। दिवाली है खुशियों का त्योहार, तो आइए इस खुशी के पर्व में थोड़ी सी सावधानी बरत लें, जिससे हमारी बच्चों की आंखों में पटाखों की वजह से चोट ना लगे। हमने अधिकतर केस में देखा है कि बच्चों के साथ खड़े रहने वाले बड़े लोगों में भी इंजरी होती है। पटाखों की वजह से आंखों में तीन प्रकार की इंजरी होती है। नंबर वन, पटाखा जोर से लगने से आंखों में चोट आ सकती है, जिसको हम ब्लंट ट्रॉमा कहते हैं। नंबर टू, पटाखों की गर्मी की वजह से आंखों के कई सारे हिस्से जल सकते हैं। नंबर तीन, पटाखों के केमिकल की वजह से आंखों में चोट आ सकती है। आंखों में होने वाली ऐसी इंजरी से बचने के लिए मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट दधीचा दवे ठक्कर और ऑसम आईज आईवेयर आपके लिए लेके आए हैं आई सेफ्टी टिप्स फॉर दिवाली एंड फायर क्रैकर्स। मेरी टिप नंबर वन है ओपन स्पेस। बच्चे खुली जगह में पटाखे जलाए, ना कि घर में या कंजेस्टेड एरिया में। सूखी घास, सूखे पत्ते या आग पकड़ने वाले कोई भी पदार्थ या सीएनजी कार या पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल से भी दूर रह के पटाखे जलाए। दोस्तों, मेरी टिप नंबर टू है बॉडी प्रोटेक्शन। पटाखे जलाते समय फुल स्लीव के कॉटन के कपड़े पहने, ना कि सिल्क, सिंथेटिक या नायलॉन मटेरियल के। साथ ही बहुत ही ज्यादा फुले हुए कपड़े को अवॉइड कीजिए और हो सके तो शूज पहने, स्लीपर या चंपल ना पहने। पटाखे जलाते समय लेडीज अपने बाल खुले ना रखें। मेरी टिप नंबर थ्री है आई प्रोटेक्शन। पटाखों की वजह से हमारी आंखों की दृष्टि या कम हो जाती है या हमेशा के लिए जा सकती है। इसका बहुत ही सरल उपाय है सेफ्टी ग्लासेस। आप सेफ्टी ग्लासेस को चश्मे के ऊपर भी पहन सकते हैं। सेफ्टी चश्मे लगाने से आंखें आगे और साइड दोनों से प्रोटेक्ट हो जाती है। दोस्तों, ये आपको पटाखों के धुएं से भी प्रोटेक्ट करता है। मेरी टिप नंबर फोर है सेफ्टी मेजर्स। पटाखे जलाते समय पानी से भरी हुई बाल्टी जरूर रखें, वो कोई भी इमरजेंसी में तुरंत काम आ सकती है। दोस्तों, पटाखे जलाने से पहले विंड डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप अनार जैसे पटाखे जलाए तो वो आपकी और ना फूटे। पेरेंट्स, पटाखों की जलन उबलते हुए पानी से भी ज्यादा होती है, इसलिए बच्चों का पटाखे जलाते समय प्रॉपर ध्यान रखना जरूरी है। बच्चे हाथ लंबा करके फुल चढ़ी से दूर से पटाखे जलाए, माचिस की तीली या फिर अगरबत्ती से पटाखे ना जलाए। पटाखा कभी भी हाथ में ना जलाए और बोतल या बंद डिब्बे में भी ना फोड़े, कभी फटने से इसमें हानि ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, बचे हुए पटाखे अलग से रखें, जिससे वो कभी भी आग ना पकड़े। साथ ही ध्यान रहे कि कभी कोई पटाखा नहीं जला है तो उसके पास ना जाए, थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दे या फिर उसके ऊपर पानी डाल दे। मेरी टिप नंबर 5 है इमरजेंसी स्टेप्स। अगर हमारे ध्यान रखने के बावजूद भी आंखों में कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है, तो आंखों को लगातार 10 से 15 मिनट तक पीने के पानी से धोए। ध्यान रहे कि आंखों को रब ना करें या प्रेस ना करें, आंखों में कोई भी ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट या मलम ना लगाए और अपनी नजदीकी डॉक्टर का संपर्क करें। तो इस दीपावली पटाखे जलाते समय खास ध्यान रखें और ऑसम आईज परिवार की ओर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभेच्छाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और बहुत सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।